मंगलवार को बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम में लड़कियों ने अपना परचम लहराया है। वहीं रिजल्ट आने की खुशी में स्कूल से लेकर कोचिंग संस्थानों में देखते ही बन रही है, जिससे गुणहत्ता स्थिति एम्बिशन कोचिंग संस्थान में करीब 25 से 30 छात्र छात्राओं ने बेहतर अंक प्राप्त कर संस्था एवं अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर मेधावी बच्चों को शील्ड व मेडल देकर सम्मानित किया गया है। बच्चों ने बताया कि सेल्फ स्टडी, शिक्षकों और माता पिता के सहयोग से ही आज बेहतर अंक प्राप्त हुआ है और आगे भी कड़ी मेहनत कर और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर संस्थान के संचालक समीर सर ने कहा कि सिया जितने भी छात्र छात्राएं परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं या काफ़ी पढ़ने में टैलेंटेड थे, कोचिंग में भी सिलेबस के आधार पर ही तैयारी कराई गई थी और आज इन लोगों ने कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किया है। उन्होंने सभी बच्चों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। निधि सिंह के साथ पटना सिटी से न्यूज़ टाइम 24 की रिपोर्ट। जिसमें कि तीनों स्ट्रीम में लड़कियों ने परचम लहराया है, तो आपका कितना नंबर आया है इसमें? 451 आया। क्या कुछ कहना चाहते हैं, लगातार आप किस तरह से पढ़ाई किए हैं इस कोचिंग में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? और कोचिंग के टीचर भी बहुत मेहनत किए हैं, अच्छे से पढ़ाए हैं, सारा डिवीज़न टेस्ट सीरीज, और फिर हम लोग भी अपना मतलब जितना भी ट्राई कर सकते थे दिए, अपना बेस्ट दिए, तब जाके आया मैं। किस तरह से सपोर्ट यहाँ मिलता था कोचिंग संस्थान द्वारा टीचरों का? यस सर, यहाँ मतलब अगर घर पे से भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो सर लोग बोलते थे कि कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं या किसी भी समय कोचिंग भी आके पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न हो सब कुछ समझाया भी जाता था, कुछ नहीं आ रहा है आप पूछिए, बार बार पूछिए, सब कुछ अच्छे से बताया। आगे आप क्या सोची हैं करने के लिए? आगे हिस्ट्री ऑनर्स लेंगे सर और बीपीएससी करेंगे। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? उषा। कितना नंबर आया आपका? 442। उन लोगों बच्चों ने बहुत मेहनत किया, उन लोगों ने बहुत अच्छा है और मतलब और भी आगे, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, हम लोग और मेहनत करेंगे और अच्छा नंबर आएगा। खूब मेहनत करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, सर लोग पे भरोसा करें, वो लोग जो बोलते हैं उन लोगों का कहना माने, क्योंकि सर लोग ही गाइड करते हैं ज़्यादा, वो लोग जो बोलते हैं वो बेस्ट होता है, स्टूडेंट्स को वही फॉलो करना चाहिए। इस कोचिंग में किस तरह से आपको पढ़ाया जाता है? यहाँ रेगुलर क्लासेस होते हैं, किसी भी टाइम कोई भी डाउट हुआ किसी भी सर से किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, टेस्ट होते हैं, बच्चों को करेज किया जाता है कि अगर आप अच्छा नंबर लाएंगे उसके अंदर मतलब टेस्ट वगैरह में बोलते हैं ट्रॉफी मिलेंगे, ये मिलेंगे, तो बच्चे और मेहनत करते हैं। घर वालों का क्या सपोर्ट रहता है आप जब पढ़ाई करती हैं या फिर कोचिंग आती हैं, क्या कुछ रहता है? मतलब वो लोग पूरा फुल सपोर्ट करते हैं कि आप जितना पढ़ सकती हैं, हम लोग हर तरह से सपोर्ट करते हैं। ठीक, क्या आप नाम हुआ आपका? कितना नंबर आया है इस इंटर में? 434 क्या लेकर? मैं सबसे पहले तो क्रेडिट अपने फैमिली को देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, ऊपर से सर लोग टीचर वर्क और हमेशा कोचिंग में रेगुलर टेस्ट करवाना, ऊपर से सर लोग का मुझ पर भरोसा दिखाना, इतना मेरे लिए काफ़ी था। मेरे नंबर बिल्कुल कहना चाहेंगे कि सबने अच्छा किया है रिजल्ट में, और लड़कों को थोड़ा और करना चाहिए बेटर कि लड़कियों के बराबर आ सके वो भी, बट आगे देखिए। सर, एग्ज़ाम के रिजल्ट में लगातार तीन स्ट्रीम में बेटियों ने परचम लहराया और आपके कोचिंग संस्थान से भी भाई कई बच्चे लड़के अच्छे मार्क्स लाए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए सर, पढ़ते तो लड़के और लड़कियां दोनों हैं, हाँ लड़कियां मेहनत ज़्यादा कर रही हैं, रिजल्ट अच्छा ला रही हैं, लड़के ने भी इस बार हमारे कोचिंग से अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छे रिजल्ट लाए हैं। हमारे कोचिंग से भी आप कह सकते हैं कि 20 लड़कियां जो है वो 400 से ज़्यादा नंबर लाई हैं और 8-9 स्टूडेंट बॉयज़ भी हैं, 6-7 बॉयज़ भी हैं, वो भी 400 से ज़्यादा नंबर लेके आए हैं। तो कड़ी मेहनत किया है इन लोगों ने, हम लोगों ने जैसा बोला इन लोगों ने वैसा किया, जिस तरीके से हम लोगों ने प्लानिंग की बच्चे ने उसी को एग्जीक्यूट किया और रिजल्ट अच्छा आया। उनको हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि टीचर्स के पास एक्सपीरियंस ज्यादा, वो जैसा बोले वैसा करें और टाइम को कहीं और वेस्ट करने की जगह पे थोड़ा सा पढ़ाई पे प्लानिंग स्टार्टिंग से करें, शुरू से एक महीना दो महीना पढ़ने से, एक दो महीना रगड़ के पढ़ने से कुछ नहीं होता है, शुरू से पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन कंटिन्यू पढ़ें तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जितने बच्चे अच्छे मार्क्स लाए उन लोगों को आपने आज क्या किया है संस्थान में, किस तरह से प्रोत्साहित किया? एम्बिशन कोचिंग हमेशा से जो बच्चे अच्छा करते आए हैं उन्हें सम्मानित करता है
और उन्हें इनकरेज करने के लिए मेडल्स, ट्रॉफी, डायरी और बहुत सारी चीजें होती है जो उनको दी जाती है ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और वो आगे भी अच्छा करें। हम लोग जो है एडमिशन कोचिंग वो कंटिन्यू जो टेस्ट लेती है उस टेस्ट के माध्यम से भी बच्चों को ये चीज बताती है कि आप टेस्ट में अच्छा करोगे तो आपको ट्रॉफी मेडल मिलेगा, ताकि उस ट्रॉफी मेडल के कारण बच्चे अपने में कंपटीशन करें और कंपटीशन क्लास में ही चालू हो जाती है तो रिजल्ट अच्छी आएगी। क्या नाम हो सर? समीर सर।